वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के थ्री ईयर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर कर लेने चाहिए कौन सी बुक्स में से या वो कौन से स्टडी रिसोर्सेज हैं जिसमें से आपको जो फ्री स्टडी रिसोर्सेज हैं जिसमें से आपको कवर uh, करने चाहिए टॉपिक्स राइट right? हम ये बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया क्या है इस एग्ज़ाम का आपको कैसे पढ़ना चाहिए कि आप ये एग्जाम जल्दी से क्लियर कर सकें और मैं आपको बात करूँगी ट्वेंटी ट्वेंटी वन की जो एप्लीकेशन है इस एग्ज़ाम की वो ओपन है हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे मैं आपको लिंक दूंगी जहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं ठीक है ना तो हम आज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के थ्री ईयर एल के बारे में और उसके लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे जो आपको मदद करेंगी तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ क्या गाइज वेलकम टू लॉगिरी आई होप यू सब्सक्राइब टू चैनल एंड हिट दैट दैट बेल नोटिफिकेशन सो सब्सक्राइबिजनल not miss any of our videos and I hope you're following us on instagram we're there by the name at I am Lockery. we do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy if you want to stay motivated and if you want to stay connected a little more with loggery then do follow us on instagram First of all, important dates take our last date for receipt of online admission form एल एल बी यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वेंटी फर्स्ट जून ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट जून ट्वेंटी ट्वेंटी पहले पहले आप ये फॉर्म भर दीजिए या फिर आप ट्वेंटी बट उससे पहले भर दीजिए तो आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन कौन से हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर जो एल एल बी थ्री ईयर्स का है वो है एच पी यूनिवर्सिटी शिमला गवर्नमेंट कॉलेज मंडी गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर एच पी यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर धर्मशाला कांगड़ा ठीक है ना तो यहाँ पे आपका लॉ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ठीक है ना नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं जल्दी से टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 210 है सब्सिडाइड सीट्स 200 है नॉन सब्सिडाइज़ सीट्स 10 है और कुछ सीट्स जो दो सीट्स हैं, वो हिमाचली वॉर विडो कैंडिडेट एक सीट उनके लिए रिजर्व है और एक बोनाफाइड हिमाचली सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी एक सीट रिजर्व है ओके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एज लिमिट देख लेते हैं जल्दी से देखिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर 45 परसेंट मार्क्स होने चाहिए या 40 परसेंट एस सी एस टी के आ, अगर कैंडिडेट हो आप ठीक है ना और नहीं तो आपके 48 मिनिमम ऑफ फोर्टी एट क्रेडिट्स इन मेजर सब्जेक्ट्स तो आप ये पढ़ सकते हैं अगर आपका क्रेडिट्स के अंदर आपकी यू नो ग्रेजुएशन का स्कोर है तो आपको ये ऊपर वाला जो पैसेज है वो पढ़कर आपको इससे कंप्लाई करना है नहीं तो अगर परसेंटेज में है तो फोर्टी ट होनी चाहिए और एससी एस टी केसेस में फोर्टी परसेंट एज लिमिट देख लेते हैं और कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द कोर्स शुड नॉट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ठीक है ट्वेंटी सिक्स ईयर्स आपके कंप्लीट नहीं होने चाहिए इन केस ऑफ बॉयज इन केस ऑफ बॉयज ट्वेंटी सिक्स ईयर्स और ट्वेंटी एट ईयर्स इन केस ऑफ गर्ल्स ट्वेंटी नाइन ईयर्स इन केस ऑफ एस सी एस टी बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स ठीक है ना तो ट्वेंटी सिक्स ईयर्स नहीं कम्प्लीट हुए होने चाहिए बॉयज़ की uh, अगर आप एक लड़के हो ट्वेंटी एट ईयर्स नहीं कम्प्लीट होने चाहिए अगर आप गर्ल हो अगर एस सी एस टी कैटेगरी के हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की तो ट्वेंटी नाइन ईयर्स ठीक है ना ऑन जुलाई 2018 एटीन ऑन जुलाई ट्वेंटी ये क्राइटेरिया है ठीक है ना तो प्लीज़ ये मतलब ध्यान में रखना अप्लाई करने से पहले एज लिमिट मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ ये जो एज लिमिट है ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ही है बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखेंगे तो एज लिमिट नहीं है तो अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप लॉ करना चाहते हैं तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं थ्री ईयर लॉ के लिए मैंने वीडियो करी हुई है जिसके अंदर मैंने बताया कि और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप थ्री ईयर लॉ पढ़ सकते हैं हो ठीक है तो आप वो चेकआउट कर लेना अपना दिल छोटा मत करना कि अगर तुम्हारी एज बड़ी है तो तुम लॉ नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है किसी और यूनिवर्सिटी से आप लॉ कर सकते हो ठीक है अबाउट द एग्जाम देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा ये लोग क्या कह रहे हैं ठीक है हमें पता चलता है कि यहाँ पे हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ठीक है ना तो ये प्लीज ये रख लिख लीजिए बिकॉज आपको तैयारी करने में और आपको यू नो प्लान करने में कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए क्या नहीं वो हमें बहुत मदद करेगा ठीक है उसके बाद फर्स्ट पार्ट part, दो पार्ट में ये पेपर दो भाग में ये डिवाइडेड होगा पार्ट वन और पार्ट टू ऐसा सा हम लिख रहे हैं ये नहीं कह रहे हैं बट दो पार्ट में होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड ऑल्सो जनरल क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर लॉज ठीक है ना तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या होगा जीके होगी जनरल नॉलेज होगी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड uh, क्वेश्चन आएंगे और उन्होंने क्या कहे अदर लॉज ठीक है ना ये हमें बोल रहे हैं ये लोग उसके बाद सेकेंड पार्ट द सेकेंड पार्ट विल कंटेन क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन तो सेकेंड पार्ट क्या है जनरल इंग्लिश एंड शन होगा सेकेंड पार्ट में ठीक है ना द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी वन पॉइंट फाइव आवर्स ये भी नोट कर लीजिए हमें वन पॉइंट फाइव आवर्स मिलेंगे हंड्रेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कि बहुत है आराम से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा राइट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट विल बी थर्टी फाइव परसेंट मतलब थर्टी फाइव मार्क्स तो आपको लेकर आने पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाई होगे इन केस ऑफ एस सी एस टी कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शाल बी अंटिल द फुल रिड्यूसिली कोटा फॉर एडमिशन हैज़ बीन थर्टी फाइव परसेंट मतलब थर्टी फाइव मार्क्स तो आपको लेकर आने पड़ेंगे इस एग्जाम के अंदर ताकि आप क्वालिफाई हो सको बहुत आराम से आ जाएंगे मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे तो ये नोट कर लिया सबने कि हंड्रेड क्वेश्चन आएंगे नंबर वन नंबर टू जी के कॉन्स्टिट्यूशन अदर लॉज और इंग्लिश है इस एग्जाम में वन पॉइंट फाइव आर्स हमें दिए जाएंगे और और हमें थर्टी फाइव मार्क्स तो लेकर आने ही आने हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एचपी यू लॉ एंट्रेंस ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जाम अब यहाँ पे अपनी नोटबुक्स अपने पास रखिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं ऑर्डर बताने वाली हूँ कि सबसे पहले ये टॉपिक करना है फिर दूसरे पे ये करना है मैं बुक्स बताने वाली हूँ कि कहाँ से आप पढ़ सकते हैं एक बुक में से आपका सारा सिलेबस मैं कवर करवा दूंगी ठीक है ना और मैं आपको अपनी विडियोज और अपने स्टडी रिसोर्सेज बताऊंगी जो बिल्कुल फ्री हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए ठीक है ना मुझे उम्मीद है सबके पास पेन और पेपर होगा ताकि वो नोट कर सकें ठीक है सबसे पहला टॉपिक जो आपने करना है बच्चों वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि अगर हम 2019 और 2020 का पेपर उठा के देखते हैं तो 40 40 मार्क्स का हमारा 40 मार्क्स का 40 नंबर का तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है हंड्रेड मार्क्स का टोटल पेपर है और फोर्टी मार्क्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा से कवर करोगे आप यूनिवर्सल्स बुक आती है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये बुक आप बाय कर सकते हो अगर आपके यहाँ पर एमेजॉन डिलीवर कर रहा है या कहीं से आपको ये बुक मिल जाती है तो आप बाय कर लोगे नहीं तो आप ई बुक मतलब ऑनलाइन ये बुक बाय कर ऑनलाइन इसमें से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत बच्चों को बुक नहीं मिल रही है तो ई बुक बाय करके हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ठीक है ना जब आप ये बुक बाय करोगे उसके अंदर आप देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी दी हुई है सारा टॉपिक्स आपको सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स समझाए हुए हैं तो आप वो अच्छे से पढ़ोगे प्लस एमसी सॉल्व करोगे प्लस एमसी अब आप कहोगे दी हम एमसी क्यों सॉल्व करें क्योंकि एमसी प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें थ्योरी मतलब जो तुम पढ़ रहे हो सबसे पहले तो जब हम थ्योरी पढ़ते हैं ठीक है ना हमें पता ही नहीं चलता कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं ठीक है ना जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ठीक है ये इंपॉर्टेंट है नंबर वन नंबर टू जो गलतियां जो मिस्टेक्स तुम एग्जाम में कमिट करने वाले थे जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे तुम तभी कमिट कर दोगे तो एग्जाम में आंसर करेक्ट होना राइट right होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं प्लस ये बहुत बड़ी बात है कि जितने एमसीक्यू सॉल्व करके जाओगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि तुम्हें क्वेश्चंस आते होंगे एग्जाम में और सेम एमसीक्यूज ही आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम में जो इस बुक के अंदर आपको दिए हुए हैं ठीक है ना तो हमने थ्योरी भी पढ़नी है और एमसी भी सॉल्व करके जाने बहुत सारे एमसी क्यूज है अराउंड फाइव हंड्रेड प्लस एमसी होंगे फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड सारे एमसी सॉल्व करने हैं और थ्योरी हमने पढ़ कर जानी है ठीक है ना चालीस नंबरों की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमें मिनिमम मिनिमम इसमें से हमें थर्टी फाइव मार्क्स तो लेकर आने ही

ठीक है बात करते हैं इंग्लिश की जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश 24 से 25 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में आते हैं 25 ही मानकर चल के जो इंग्लिश में आते हैं अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आपके ईडियम इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक्टिव पैसिव वॉइस टेंसेस ठीक है ना ये जो मैंने अंडरलाइन भी किए हुआ है और जो बोल्ड के अंदर है ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको लिख लीजिए और इनके साइड पे क्या लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम इन सब में से देखें तो इन इन सब में से जो मैं माफ करी हूँ इनमें से कम से कम आपसे 10 से 10 से 11 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे 10 से 11 क्वेश्चन ज्यादा ही आएंगे मैं कम बोल रही हूँ मतलब 10 से 11 क्वेश्चन तुम्हारे इसमें से आ जाएंगे और बाकी सारे ये जो टॉपिक्स हैं आपके एंटोनम्स एनोनम्स एंटोनिम्स एनोनिम्स मतलब जो सेम मीनिंग वाले कौन से वर्ड्स हैं ठीक है ना ऑपोजिट्स ये जो है अब हाँ जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके अगर आपके पास कोई ग्रामर की

समझ में आ गया और कौन से टॉपिक्स हैं आपके वन वर्ड सब्सिट्यूशन एनोलॉजी फिलॉप क्लोज टेस्ट जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ जो बोल्ड में है वो हम सबसे पहले पहले करेंगे और बाद में ये वाले टॉपिक्स करेंगे इन सबको नोट कर लो और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मार्क कर लो ठीक है बात करते हैं स्टैटिक जीके की स्टैटिक जीके क्या होती है स्टैटिक जीके के होते हैं टॉपिक्स जिसमें हम जोग्रफी हिस्ट्री ठीक है साइंस ये सारी टॉपिक्स को हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं स्टैटिक जीके ठीक है ना अब ये कहाँ से कवर होगी ये भी आपकी यूनिवर्सल की बुक में से ही कवर होगी बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन से टॉपिक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए साइंस और जोग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 क्वेश्चन मिनिमम बारह क्वेश्चन मिनिमम हमारे एक्सपेक्टेड है साइंस और ज्योग्राफी में से तो आप ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखेंगे साइंस और जोग्राफी और कितने क्वेश्चन ट्वेल्व क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इसमें से तो हम ये सबसे पहले करेंगे उसके बाद स्पोर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स दो से तीन क्वेश्चन मिनिमम कंप्यूटर इंपॉर्टेंट डेज दो क्वेश्चन मिनिमम तो सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चन कौन सा टॉपिक करेंगे साइंस और जोग्राफी तो आप क्या करेंगे आप यूनिवर्सल में जाएंगे बुक में और ये वाले टॉपिक्स वहाँ मार्क कर लेंगे हमें सारी की सारी यूनिवर्सल बुक नहीं पढ़नी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ेंगे क्योंकि हमें तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है पूरी बुक में जो दिया उससे हमें कोई मतलब नहीं है हमें इन टॉपिक्स से मतलब है ठीक है ना आप देखोगे कि इन सब्जेक्ट इन टॉपिक्स की थ्योरी दे रखी होगी मतलब इनके बारे में बता रखा होगा सब कुछ है उसके बाद आएंगे आपके एमसीक्यूज हमें एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं देखो जो स्टैटिक स्ट्रेटेजिकीक है वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी किताबें आपको मिलेंगी जो बच्चे आई एस की तैयारी कर रहे होते तो हैं उनकी इतनी मोटी मोटी किताबें होती है हमें वो नहीं पढ़नी है क्योंकि हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने हैं और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एम सी क्यू सोल्व करने से ही हो जाएंगे अगर आपके पास कम टाइम है तो अकेले एम सी क्यू सॉल्व कर लीजिए नहीं तो थ्योरी भी साथ में पढ़ लीजिए अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा और पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉगिरी डॉट कॉम वहाँ पर आप फ्री में बिल्कुल फ्री के अंदर इन सब के ऊपर शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे क्या मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे तो आप वो पढ़ सकते हैं स्पेशली साइंस और ज्योग्राफी के तो बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। वो आप पढ़ सकते हो नहीं तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम सबसे पहले बच्चों हम एम सी क्यू सॉल्व करेंगे और जो हमारी थ्योरी है वो सॉल्व करेंगे कौन से साइंस और जोग्रफी के क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से एक्सपेक्टेड है और फिर हम ये चारों टॉपिक्स करेंगे ये वाले चारों टॉपिक्स ठीक है बात करते हैं एक और टॉपिक की जो है लीगल टर्म्स एंड मैग्जिम्स अब ये क्या है देखो लॉ की जो जो हम भाषा है लैंग्वेज है लॉ की वो थोड़ी अलग होती है तो हमें उसके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग पता होने चाहिए अब ये कहाँ से करें देखो यूनिवर्सल्स के अंदर बहुत ही लंबी लिस्ट हुई है तो मैंने क्या किया हुआ आपके लिए दो वीडियोस करी हुई हैं जिसके अंदर मैंने समझाया हुआ है आपको ये लीगल टर्म्स एंड ठीक है आप वो दो देख लेना। Link, में आपको मिल जाएगा उसके बाद एक कैसे याद करेंगे प्लस मैंने इसी वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स की लिस्ट शेयर करी हुई इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड शेयर करी हुई है बच्चों करी हुई है वो आप डाउनलोड कर लो ोगे और वो आप लर्न कर लोगे ठीक है बात करते हैं अब क्या बचा देखो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर ली इंग्लिश पढ़ लिया इन स्टैटिक uh, पढ़ ली हमने लीगल टर्म्स भी हमने पढ़ लिए तो हमारा रह गया करंट अफेयर्स देखो करंट अफेयर्स के 2019 में दो क्वेश्चन ही आए और 2020 में पांच क्वेश्चन आए तो करंट अफेयर्स हमारा ज्यादा नहीं आ रहा है यहाँ पे अगर आप ट्वेंटी यूनिवर्सल्स की बुक की खरीद रहे हैं ध्यान से सुनना ट्वेंटी ट्वेंटी की यूनिवर्सल्स की बुक खरीदने तो इसमें से ही करंट अफेयर्स आप कर सकते हो ठीक है ना अगर 2020 की बुक नहीं खरीद रहे और आप चाहते हो कि आप करंट अफेयर्स कवर करो तो टिट्स पिट्स का एनुअल एडिशन आता है वो खरीद लेना बस ठीक है ना और उसमें से पढ़ लेना ठीक है पर सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ रहेगा सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन करनी है इंग्लिश करनी है और स्टैटिक जी के करनी है क्योंकि इसमें से ही हमारा मेजर मेजर पेपर आएगा ये हमें याद रखना है सबसे पहले ज्यादा नंबर वाले टॉपिक्स करेंगे हम और फिर अगर टाइम बचे तो हिस्ट्री बुक्स और अवार्ड्स पढ़ लेंगे ठीक है ना अगर आप करंट अफेयर्स का रिस्क नहीं लेना चाहते तो टिट्स पिट्स में से या फिर यूनिवर्सल्स में से ही आप कवर कर सकते हो यूनिवर्सल्स में तब करोगे अगर ट्वेंटी का एडिशन है आपके पास ठीक है बच्चों देख लेते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है हाउ टू स्टडी ठीक है ना ये हम समझ लेते हैं ताकि आप आराम से ध्यान से पढ़ सकें देखो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे ठीक है ना सबसे पहले सबसे पहले स्टेप वन मार्क कर लेते हैं सबसे पहले क्या पढ़ोगे पहले थ्योरी पढ़ते हो ठीक है ना उसको समझने की कोशिश करोगे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे प्लस जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मार्क करोगे मार्क क्यों करोगे बच्चों क्योंकि हमें रिवाइज करना है बार बार पढ़ेंगे तभी याद होता है ना वैसे ही यहाँ पे बार बार रिवाइज करेंगे तभी याद होगा ठीक है ना मार्क करेंगे प्लस एम सी क्यू सॉल्व करेंगे हर चीज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का सबसे सही तरीका क्या होता है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस कैसे होगी जब हम हम एम सी क्यू सोल्व करेंगे तो मैंने जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टैटिक जीके का आपको बताया कि एम सी क्यू सोल्व करने तो आप एम सॉल्व करोगे स्टेप वन के अंदर ठीक है और बार बार रिवाइज भी करोगे हर पाँच से छः दिन बाद जो भी पाँच से छः दिन में पढ़ा है सातवें दिन सातवें दिन सारा पाँच से छः दिन में जो पढ़ा उसको रिवाइज करोगे और अगर मार्क करोगे और छोटे छोटे छोटे, छोटे नोट्स लिखते रहोगे शॉर्ट नोट्स बनाते रहोगे साथ साथ पढ़ते हुए तो जब रिवाइज करना होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ठीक है आप ये करोगे ठीक है ना समझोगे रिवाइज करोगे और उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको याद रखना है कि स्टेज में डिवाइड करोगे डिफरेंट अपनी प्रेपरेशन को स्टेज वन क्या होगी कंप्लीटिंग द सिलेबस अपना पूरा का पूरा सिलेबस हमें खत्म करना है जल्द से जल्द ठीक है ना कंप्लीटिंग द सिलेबस ठीक है उसके बाद आप क्या करोगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप स्टेज टू पे आ जाओगे स्टेज टू पे आपने क्या करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे और प्लस रिवाइज करोगे प्रैक्टिस करोगे प्लस रिवाइज़ करोगे प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो आप डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉगिरी डॉट कॉम पर जाओगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के टेस्ट दिखेंगे और अगर आप चाहते हो कि मैं सैम्पल पेपर्स बना दूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए तो मैं वो भी बना दूँगी आपके लिए वो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना मेरे बच्चों तो आपने क्या करना है आपने प्रैक्टिस करना है और बार बार सारे सिलेबस को रिवाइज करना है अगर आप ये करोगे आपको कोई भी नहीं रोक सकता हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से ठीक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना बिकॉज वहां पे मैंने लिंक्स मेंशन करे हुए हैं जो आपको हेल्प करेंगे और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो ऐट आई एम लॉगिरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पे नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो मैं आपसे बात करूँगी ज़रूर नहीं तो हमारी फोरम्स हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा आज क्यों और क्वेरी करके वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो ठीक है ना आज के लिए इतना ही मिलेंगे जल्द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कॉमेंट ज़रूर करना लॉगिरी साइनिंग ऑफ Bye. Keep on studying. All the best.